Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to scan MRI wrist joint. System is Brevo MR355 1.5 Tesla GE. So, सबसे पहले एंट्री डेस्क पे आ गए हैं हम. यहाँ पे पेशेंट का डेटा फिल करते हैं. प्लीज बियर विद द नॉइज, ये सब कुछ काम चल रहा है ऊपर, तो इसके लिए आवाज बहुत आ रहा है. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे पेशेंट का नेम वगैरह फिल कर दिया, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. ये पेशेंट का है लेफ्ट रिस्ट जॉइंट. सो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लेफ्ट रिस्ट जॉइंट लिखा. यहाँ से प्रोटोकॉल लेते हैं. मैंने यहाँ पे एक मेरा प्रोटोकॉल बना के रखा है. पेशेंट का पोजीशन है हेड फर्स्ट प्रोन पोजीशन. आप सुपाइन पोजीशन में भी ले सकते हैं, प्रोन में भी ले सकते हैं, दोनों में आप ले सकते हो. पेशेंट को जैसा कंफर्टेबल रहेगा वैसा आपको पोजीशन करना है. ओके, मैंने यहाँ पे पेशेंट प्रोन पोजीशन में लिया है. कॉइल है कॉर्ड नी कॉइल. ओके, सो यहाँ पे प्रोटोकॉल ले लिया है रिस्ट का. एक्सेप्ट स्टार्ट एग्जाम. यहाँ से कॉइल कनेक्शन आपको देख लेना होगा. यहाँ पे मैंने देखो HD नी कॉइल कनेक्ट किया है. कॉर्ड नी यहाँ से सिलेक्ट कर देना है. ओके, यहाँ पे फुट भी ले सकते हो, एंकल, सब कुछ इसमें ही होता है. अलग अलग सिलेक्ट करने से अलग अलग आपका रिजोल्यूशन अच्छा मिलेगा. सो यहाँ पे मैंने नी कॉइल कनेक्ट किया है और यहाँ पे बता रहा है कि ये कनेक्शन है और ये कॉइल है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको लोकलाइजर लेना होगा. सेव RX स्कैन. सबसे पहले तो पेशेंट का हिस्ट्री लेना बहुत ही जरूरी है. पेशेंट को कहाँ पे पेन है, स्वेलिंग है वगैरह, कुछ भी है, लेटरल मीडियल एंटीरियर पोस्टीरियर, जहाँ पे भी पेन है वहाँ पे आपको एक एवियन मार्कर लगा देना है. विटामिन ई का कैप्सूल जो रहता है ग्रीन कलर का, उसको आपको मार्किंग सबसे पहले लगा देना. मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ऑलवेज एक ही एक्जेल ये वाला स्कैनर लेता हूँ. ठीक है, लोकलाइजर, फिर उसके ऊपर फोर प्लेन को प्लान कर देता हूँ, थ्री प्लेन सॉरी, क्योंकि ये एक्जेल वाला एक आ जाता है ना, फिर उसके ऊपर प्लान अच्छे से हो जाता है. फिर उसके ऊपर री लोकलाइज करना हो तो आप कर सकते हो. तो मैं ऐसा ही करता हूँ, सबसे पहले ओनली एक्जेल वाला लिया लार्ज FOV में, फिर मैंने थ्री प्लेन लोकलाइजर का एक दूसरा बनाया हुआ है. आप देख लो, ये जो सबसे पहला है ये एक्जेल लोकलाइजर ही ओनली मैंने मारा है. फिर दूसरा मैंने एक रखा है, फिर इसके ऊपर पूरा थ्री प्लेन लोकलाइजर रख के मैं प्लान कर दूंगा. ठीक है, अभी थ्री प्लेन लोकलाइजर लेते हैं. सेव RX. ओके, देखो ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये लेने से आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन अच्छा मिलता है. मेरा टेक्निक ऐसा है. फिर आपको डायरेक्ट थ्री प्लेन लेना हो तो भी ले सकते हो. देखो मैंने यहाँ पे मार्कर लगाया हुआ है. ओके, मीडियली यहाँ पे मैंने एक मार्कर लगाया है, छोटा सा दिख रहा है ना, कैप्सूल है. सो अभी सबसे पहले मैं प्लान करने वाला हूँ कोरोनल फैट सेट PD. बाकी मैं MSK करता हूँ ना, नी जॉइंट वगैरह, उसमें ऑलवेज एक्जेल पहले प्लान करता हूँ, बट इसके अंदर कोरोनल सबसे पहले है. सो सबसे पहले कोरोनल लेते हैं. ओके, थिकनेस है 2.5, 3 और 2.5, उससे ज्यादा मत लेना, नहीं तो फिर इमेज क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा. और 2.5 इनफ है. इमेजेस थोड़ा इंक्रीज करना हो तो कर सकते हो, टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा. एक्जेल में ये पूरा कवर कर लेना है आपको. यहाँ पे सैज में थोड़ा सा ऑब्लिक करना होगा. जैसे ही कोरोनल आएगा फिर उसके ऊपर बाकी का प्लानिंग में आपको शो कर देता हूँ. ठीक है, एंगुलेशन सही से देना,
4 मिनट का सीक्वेंस है, 2.5 थिकनेस, 0 स्पेसिंग। शिम डाल देते हैं, सेव आरएक्स, स्कैन। सेम टू सेम जो है कोरोनल फेडसेट पीडी है उसके ऊपर, दूसरा कोरोनल ओनली पीडी विदाउट फेडसेट कॉपी कर देना है सिंपल। इसको डबल क्लिक किया, ओपन किया, आरएक्स लिया, सब कुछ सिम वगैरह सब कुछ ले लेना है, एक्सेप्ट। सो ये हमारा कोरोनल विदाउट फेडसेट पीडी भी रेडी है। कोरोनल आने के बाद मैं आपको शो करता हूँ कैसे एक्जियल वगैरह प्लान करते हैं। टाइमिंग बढ़ेगा उसका इश्यू नहीं है, टाइमिंग कम करने मत जाना नहीं तो इमेज क्वालिटी खराब हो जाएगा। ये 4 मिनट है, ये भी 4 मिनट का है। अभी एक्जियल को ओपन करके रखते हैं यहाँ पर, कोरोनल जब तक डिस्प्ले होता है अब तक होल्ड ऑन, फिर इसके बाद में आपको शो करता हूँ कैसे एजीएल का प्लानिंग करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये हमारा कोरोनल हेडसेट पीडी जनरेट हो गया है, क्वालिटी आप देखो कितना अच्छा है, थिकनेस कम करने से है। ओके, थिकनेस को आप बढ़ाओगे तो अच्छा नहीं आएगा। 2.5 मैंने सेट किया है यहाँ पे जीरो स्पेसिंग के साथ, और टाइम अभी सपोज पेशेंट कॉम्प्रोमाइजिंग है, नहीं कोऑपरेट कर रहा है, तो फिर आप सब पैरामीटर्स कम करके आप उसका टाइमिंग कम कर सकते हो, बाकी इसको ऐसा ही रहने देना। पेशेंट को यहाँ पे थम एरिया में एग्जैक्टली रिज जॉइंट में यहाँ पे ही कंप्लेन है, तो मैंने यहाँ पे उसको एवियन मार्कर लगाया हुआ है, आप देख सकते हो ये मार्कर है, यहाँ पे ही उसको पेन है। अभी देखो ये मेरा टेक्निक ऐसा है कि मैं कोरोनल फेडसेट पीडी के बाद इमीजिएटली विदाउट फेडसेट पीडी को आप ये लो, नहीं तो कोरोनल T1 लो, दो में से एक ले लेना। ओके, तो अभी यहाँ पे कोरोनल फेडसेट आ गया है पीडी वाला, तो कोरोनल के विंडो में डाल देते हैं। ओके, फिर अभी यहाँ पे एक्जेल प्लानिंग करते हैं। देखो एक्जेल को इतना पूरा थंब एरिया कवर करना, क्योंकि उसको यहां से लेकर यहां तक पेन जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि इतना ही कवर करना है, ऊपर तक ले लेना है, भले ही इमेजेस आपका बढ़ रहा है, ठीक है। 24 इमेजेस किया है, 4 थिकनेस है, 1.5 स्पेसिंग रखा है, इसको स्पेसिंग आप कवर करने के हिसाब से आपको कम करना होगा। मैंने यहाँ पे 1 ले रहा हूं, ठीक है, रिस ज्वाइंट एग्जैक्टली कवर किया ही है, पूरा हैंड नहीं मांगा है, ओनली रिस ज्वाइंट मांगा है, तो रिस ज्वाइंट मेनली ये है, यहां तक ऊपर तक इतना कवर किया। कोरोनल आने के बाद ही एक्जेल प्लान करना, नहीं तो डायरेक्ट एक्जेल प्लान करते हो तो इमेजेस आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि कोरोनल में दिख जाएगा कि उसको कंप्लेन है क्या नहीं है, फिर वो हिसाब से कवर करना है। सपोज ऊपर है तो इमेजेस थोड़ी बढ़ानी होगी इसके लिए, तो यहां पर मैंने इतना ही प्लान किया है। एक्जेल का विंडो आपका देख लेना है कि एक्जेल सही से स्ट्रेट है क्या नहीं है, यह आपको विंडो स्ट्रेट कर देना है। ओके, फिर आपको यहां से कोरोनल को थोड़ा ऑब्लिक कर देना, पीडी चल रहा है तब तक क्या है कि ये चलेगा तब तक हमारा एक्जेल प्लानिंग हो जाएगा। मेरा टेक्निक ऐसा ही है, ऑटो पे मैं ऑलवेज रखता हूँ, क्योंकि ये चल रहा है तब तक इतना टाइम हमको मिल गया ये प्लान करने के लिए। देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको कि शोल्डर है, रिज ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है, वो सब में टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी आपका डिग्रेड होता है, टाइम आपको इमेजेस और पैरामीटर्स को कभी ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइजिंग पेशेंट है तो सब टाइमिंग फटाफट कम कर दो, TR वगैरह कम करके, नेक्स वगैरह कम करके, फेज फ्रीक्वेंसी वो सब कुछ चेक फटाफट करके कम कर लेना, बट कोऑपरेटिव है तो क्या है ऐसा करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका इमेज खराब हो जाएगा, ठीक है। अभी एक्जेल फेडसेट पीडी सेव आरएक्स, अभी हमारे पास कोरोनल है तो अभी सेज फेडसेट पीडी प्लान कर रहा हूं,
मैं ऑलवेज एक चीज बताते रहता हूँ, सैज चाहिए तो कोरोनल और एक्सियल पे प्लान होगा, कोरोनल चाहिए एक्सियल सैज पे प्लान होगा, एक्सियल चाहिए सैज और कोरोनल पे प्लान होगा। अभी सैज का हमें चाहिए तो कोरोनल पे प्लान कर रहा हूँ मैं, एक्सियल मेरे पास है नहीं, बट मुझे यहाँ से 2 mm थिकनेस है, स्पेसिंग मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि पूरा एरिया कवर नहीं हो रहा है। 3.5 थिकनेस कर दोगे तो भी चलेगा, बट बहुत ज़्यादा मत करना नहीं तो आपका इमेज अच्छा नहीं आएगा। लिगामेंट्स वगैरह जो इसका जो एनाटॉमी है, अभी मेनली आपको डिसजॉइंट कवर करना है, ठीक है, इसका थोड़ा सा ऑब्लिक कर देता हूँ। मेनली मुझे यहाँ पर थंब एरिया जो है मीडियली उसको मुझे चाहिए, तो मैं थोड़ा इमेज शिफ्ट कर देता हूँ। लिटिल फिंगर वाला एरिया कट होगा तो चलेगा, बट मेनली ये रिस्ट जॉइंट कवर करना है, तो यहां से फिंगर्स कट हो रहा है तो उसका इश्यू नहीं है, ओके? तो मेनली ये इतना एरिया आपको ध्यान रखना है। थ्री थिकनेस वन स्पेसिंग 20 इमेजेस, शिम डाल देना, सेव आरएक्स। अभी सेम टू सेम साइज जो है उसको मैं ग्रेडियंट को डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ, सेम जो साइज फैटसेट पीडी प्लान किया है उसको सेम टू सेम कॉपी, ये हमारा रेडी हो गया। कॉन्ट्रास्ट की सीक्वेंस मैंने रखी है यहाँ पे, उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, उसको डिलीट कर रहा हूँ। स्टार मैंने रखा है क्योंकि कोरोनल फैटसेट पीडी में सपोज कभी फैटसेट का इशू आता है तो फिर मैं वो टाइम पे कोरोनल स्टार रन कर देता हूँ, अभी उसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल देता हूँ। तो इतना सिंपल प्रोटोकॉल है, कोरोनल पीडी फैट सेट, कोरोनल ओनली पीडी, और यू कैन टेक कोरोनल T1, एक्सियल फैट सेट पीडी, सैज फैट सेट पीडी एंड सैज ग्रेडियंट। एक्सियल T1 भी लेना चाहिए आपको, बट आपके कंसल्टेंट को आपको पूछना पड़ेगा कि क्या उनको दूसरा रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ पे ये प्रोटोकॉल चल जाता है, इसके ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं। सपोज कुछ ट्यूमर वगैरह निकला है तो एक्सियल कोरोनल एंड सैज T1 फैट सेट पोस्ट कॉन्ट्रास्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी दो इमेजेस तो हमारी जनरेट हो गई है, कोरोनल फैट सेट पीडी आप देख सकते हो, कोरोनल विदाउट फैट सेट, या MSK में हम विदाउट फैट सेट पीडी ही लेते हैं, T1 नहीं लेते क्योंकि ये जो लिगामेंट्स वगैरह एनाटॉमी है वो पीडी विदाउट फैट सेट में और ज्यादा अच्छा दिखता है। अभी ये ले रहे हो तो सपोज आपको एक ही आपके पास एक जेल है तो आप T1 ले सकते हो, ओके? स्कैन के हिसाब से आपको कभी कभी सीक्वेंस ऐड करना रहता है, बट ये बेसिक प्रोटोकॉल है, इतना आप ले लोगे तो चल जाएगा। अभी बाकी का जो भी इमेज जनरेट होता है तो मैं आपको 1x1 शो कर देता हूँ, ठीक है, कैसा दिखेगा वो, तब तक के होल्ड ऑन। सो फ्रेंड्स आप देखिए अभी एक्सियल फैटसेट पीडी भी बहुत ही बढ़िया आया है, क्वालिटी आप देखिए कितना अच्छा है। वापस बोल रहा हूँ आपको 3 mm 2.5 mm इतना ही लेना है, मैक्सिमम 3 mm से ऊपर मत जाना नहीं तो इमेज क्वालिटी MSK में अच्छा नहीं आएगा। शोल्डर, नी जॉइंट, रिस जॉइंट, एल्बो जॉइंट, तो सब कुछ को ऐसे ही आपको स्कैन करना है। जीरो स्पेसिंग लोगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी साइज फैट सेट पीडी चल रहा है, उसके बाद साइज ग्रेडियंट, दोनों आने के बाद मैं आपको शो करता हूँ कैसा दिखेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में सब कुछ आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ, कैसे प्लानिंग करना है। सबसे पहले कोरोनल फैटसेट पीडी ले लेना, उसके बाद विदाउट फैटसेट का कॉपी करके रेडी रखना है, फिर वो कोरोनल फैटसेट पीडी जैसे ही आता है उसके ऊपर आपको एक्सियल प्लान कर देना है, ओके? फिर कोरोनल तो आपके पास है, फिर सैज दोनों आपको प्लान करके रेडी रखना है। देखो सैज फैटसेट पीडी भी जनरेट हो गया, इसकी क्वालिटी आप देखिए कितना सुपर्ब है, कम थिकनेस में लिया है 3 mm 2.5 तो ही अच्छा आएगा, ज्यादा करने जाओगे तो इमेज स्मूथ हो जाएगा। फिर आपको आपके रेडियोलॉजिस्ट को जमेगी कि नहीं जमेगी मुझे पता नहीं है,
बट यही लेना होगा आपको। यहाँ पे आपको ADW पे शो कर रहा हूँ, देखो ये फेडसेट PD का इमेज क्वालिटी आप देखिए, विदाउट फेडसेट 1.5 टेस्ला है। ये सैज पेशेंट बहुत अच्छा कोऑपरेटिव है, इसके लिए इमेजेस भी बहुत ही सुपर आ रही है। अभी बस लास्ट सीक्वेंस बचा है सैज ग्रेडियंट। हम यहाँ पर सैज T2 वगैरह नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सपोज कुछ ट्यूमर वगैरह निकला है तो मैं PD जो है विदाउट फैट सेट उसकी जगह मैं T1 ले लूँगा कोरोनल, और सैज ग्रेडियंट प्लस सैज T2 भी एक रन करूँगा मैं कुछ ट्यूमर वगैरह निकलता है तो। बाकी या पेन वगैरह के लिए ये इतना प्रोटोकॉल इनफ है। आप चाहे तो सैज T2 ऐड कर सकते हो, ओके, और कोरोनल PD की जगह पे आप कोरोनल T1 ले सकते हो तो आपका प्रोटोकॉल सही हो जाएगा। बट ये मेरा पेन वाला प्रोटोकॉल है। सपोज कुछ लीजन निकलता है तो कोरोनल PD की जगह पे कोरोनल T1 ऐड कर दूंगा और सैज ग्रेडियंट के साथ में एक सैज T2 भी प्लस कर दूंगा। जरूरत पड़ी तो एक्सियल T2 भी रन कर दूंगा, बट वो सब कुछ डायग्नोसिस देख देख के होता है। अभी इसमें मुझे कुछ ज़रूरत लगती नहीं है, इसको सिर्फ ओनली पेन है तो ये प्रोटोकॉल इनफ है। थोड़ा बहुत स्कैन के साथ में आपको डायग्नोसिस भी सीखना चाहिए कि उसके ऊपर आपको पता चलेगा। अभी सपोज आपके पीछे और 10 पेशेंट बैठे हैं तो आप इसको ही टाइम बढ़ा के स्कैन करते रहोगे तो वो पीछे वाले पेशेंट का क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसा आपको समझ में आना चाहिए कब कैसे फटाफट प्लान करना है आपको, ओके। बस अभी ये लास्ट सीक्वेंस बची है, देखने के बाद अभी पेशेंट को निकाल दूंगा मैं। सो ये आप देख लो, सैज ग्रेडियंट भी आ गया है, कितना सुपर क्वालिटी है। पेशेंट का आउट कर देता हूँ, स्कैन तो खत्म हो गया मेरा। सो एक बार वापस बता देता हूँ फ्रेंड्स, कोरोनल फेडसेट PD, कोरोनल PD, कोरोनल PD की जगह कोरोनल T1 ले सकते हो, एक्सेल फेडसेट PD, सैज फेडसेट PD, सैज ग्रेडियंट, एक सैज T2 आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, सब कुछ आपको समझ में आ गया। कुछ भी आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल शो यू एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।